मसीह खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर सलाम। मेरा नाम रेमंड डेविडसन और मैं आप सबको इस प्रोग्राम मेरी उम्र नौजवानों में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे और इन तमाम मुश्किलात की घड़ियों में अपनी तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए आज तक की जिंदा और की ज़मीन पर कायम और दायम होंगे। आज हम किसी टॉपिक के ऊपर नहीं बल्कि आज हम अपनी बी योर सेल्फ कैंपेन के एक फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आने लगे हैं। आज का टॉपिक जो कि हमारा है वो मैं नहीं सुनाऊंगा। आज हमारे कुछ मोजिस मेहमान जो कि हमारे साथ यहाँ पे आज आए हैं ताकि आप जैसे तमाम नौजवानों से अपने आप को और अपने पैगामात को हम सब जैसे एक नौजवानों को शेयर करें। तो बिना अपने वक्त को ज़ाया किए मैं अपने तमाम गेस्ट को जो कि हमारे आज के टॉपिक म्यूज़िक को डिफ़ाइन करेंगे कि म्यूज़िक की खासियत एक पर्सनल इंडिविजुअल करेक्टर में क्या होती है या एक पर्सनल फ़र्द में क्या होती है। तो हम अपने वक्त को बिना ज़ाया किए अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मसीह में आप दोनों को सलाम। उम्मीद है कि आप दोनों खैरियत से होंगे और अपनी तमाम चीज़ों को खुशी से कर रहे होंगे। तो जी हाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे टॉपिक बी योर सेल्फ के हमारे फर्स्ट गेस्ट जो कि हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक को डिफाइन करेंगे आज हमारे साथ दरमियान है। तो बिना अपने वक्त को ज़ाया किए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और अपने मेहमानों से ही उनके बारे में सीखेंगे कि एक म्यूज़िक का टॉपिक हमारी ज़िंदगी के अंदर एक हेल्दी एक्टिविटी को कैसे ला सकता है। तो मेरा आप दोनों से पहला सवाल कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करवाएं कि आपका नाम, आप क्या प्ले करते हैं और आपका क्या किरदार है इस वर्शिप के तोड़े में। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और पूर्ण फजल नाम में आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम इमैनुअल नज़ीर है और मैं अपने गले के वसीला से खुदा की तारीफ करता हूँ जिसके लिए उसने मुझे बनाया है और पैदा किया है। मेरा नाम अरुण इमैनुअल है और मैं खुदावन की परस्तिश कीबोर्ड बजा के करता हूँ। बेहतरीन। तो आप लोगों की तरफ मतलब आप एक छोटा सा एक अपना पर्सनल सवाल करूँगा मैं कि मतलब आप लोगों के जो साथ हमारा नौजवान है तो क्या वो आपकी इस एक्टिविटी से मुतासिर होते हैं? हाँ, कभी कभार ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारी इस एक्टिविटी को पसंद नहीं करते लेकिन हम उनकी तरफ रागिब हुए बगैर अपने इस फन का मुजाहिरा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते जाते हैं। वेरी गुड, आपका क्या कहना? जी बिल्कुल इसी तरह भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम दूसरे लोगों की परवाह किए बगैर जो हमारे म्यूजिक से मुतासिर नहीं होते हम आगे काम करते हैं और खुदा का शुक्र है लोग हमें पसंद करते हैं हमारे काम को। बेहतरीन। चले आए हम इसी तरीके से अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे टॉपिक जो हमारा आपने वीडियो देखी होगी बी योर सेल्फ। अब बी योर सेल्फ का मकसद मैं आपको एक दफा फिर दोहराता चला जाऊँ। बी योर सेल्फ का मतलब है कि जो आप अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की एक एक्टिविटी करते हैं वो करें लेकिन उस एक्टिविटी की वजह से आपकी जिंदगी में बेनिफिट्स यानी कि फायदे क्या हो रहे हैं। तो मेरा सवाल भी यही है कि आपका म्यूजिक के लिए नजरिया क्या है और आप अपनी म्यूजिक की इस एक्टिविटी से खुदा के नाम को कैसे इज्जत और जलाल दे रहे हैं? वैसे तो मेरे जरिए से देखा जाए तो म्यूजिक की एक अलग दुनिया है लेकिन हाँ, यूहन्ना 3:24 उसकी 24 आयत में लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी तारीफ करते हैं। और मेरा शुरू से ये एम रहा है कि मैं खुदा की तारीफ पूरे दिल से और उसकी तरफ बढ़ते हुए करूं ताकि उसका नाम जलाल पाए। मेरे वालदैन अक्सर इस चीज़ से उकता जाते हैं कि हमेशा खुदा की तारीफ करता रहता हूँ या जो भी हारमोनियम प्ले करता रहता हूँ लेकिन हाँ, इस चीज़ से वो बहुत खुश हैं कि मैं नेगेटिविटी से बचा हूँ और दूसरे लोगों की तरह नशे की लानत में धंसे हुए बगैर मैं खुदा की तरफ आगे बढ़ता रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र। और ये बात सीरियसली बहुत अच्छी आपने की है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कहीं और जाई जा रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी जो आजकल की नस्ल है उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल फर्क हैं। वो दूसरे बुरे कामों में फंस रहे हैं, दूसरी बुरी चीज़ों में धंसे जा रहे हैं लेकिन उनका ध्यान खुदावंत की बातों पर या खुदावंत के कलाम पर नहीं है। हमारे पेरेंट्स अक्सर उकता भी जाते हैं कि हम हर वक्त म्यूजिक में रहते हैं लेकिन इस चीज़ से वो बहुत खुश हैं कि हम दूसरे नौजवान नस्ल से मुख्तलिफ हैं क्योंकि खुदावंत ने हमें चुना है और हम उसकी परस्तिश करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स इस चीज़ से बहुत खुश हैं और हमें इस चीज़ पर सपोर्ट भी करते हैं। बेशक। और ये चीज़ मेरे अगर नज़रिए से देखें, आई एम ऑल्सो ए गिटारिस्ट, मैं भी खुदावंत की परस्तिश करता हूँ और इस तोड़े का इस्तेमाल यकीनन खुदा हमसे करता है। मैं आपकी बात में थोड़ा सजाफा करना पसंद करूँगा। एक कलाम में ये चीज़ लिखी है कि दुनिया खुदा को ढूंढती है लेकिन खुदा परस्तारों को ढूंढता है। और यकीनन ये बात सच है कि जहाँ पे परस्तिश होती है
वहाँ पे खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाता है। तो हम आपके इस छोटे से मोटिव की तरफ से जो आपने हमारे नौजवानों को दिया, इस छोटे से मोटिव की तरफ से आप हमारे आज के नौजवानों के लिए एक छोटा सा मैसेज कुछ देना पसंद करेंगे? जी, मेरा मैसेज यही है कि आज के नौजवान खुदा की तारीफ की तरफ आगे बढ़े, उसकी तरफ अपने कदम को बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो खुदा हमारी तरफ चार कदम बढ़ाता है। आए हम मिलकर उसके नाम की तारीफ करें ताकि हम बुरी चीजों से, बुरी सोबतों से और बुरी बातों से बच सके। हालेलुया, आमीन। जी बिल्कुल भाई ने बहुत अच्छी बात की, हमें खुदावन के हजूर में झुकना चाहिए और हमें अपने तोड़े को परखना चाहिए कि खुदा ने हमें किस तोड़े से नवाजा है। हमारा जिंदगी, हमारी जिंदगी का इस दुनिया पर कोई ना कोई मकसद जरूर है। खुदा ने हमें किसी ना किसी तोड़े से तो नवाजा है। हमें आज हमें देखना है कि हमें खुदा ने किस तौर से इस्तेमाल करना है। हम अपने तोड़े को परखें और खुदावन की हजूरी में बढ़ते जाएं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें, जिससे बहुत ब्लेसिंग्स, मुझे खुद बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं और मेरा ईमान है कि बाकियों को, आपको भी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। मैं आप दोनों का नहायत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में अपने तोड़े के बारे में कुछ शेयर करना पसंद किया। तो जी हाँ, मैं अपने सामने कुछ और मेहमानों को लेकर आना पसंद करूँगा जो कि म्यूज़िक के ताल्लुक से हमें कुछ और चीज़ें बयान करेंगे। जैसे कि आपने इनके बारे में भी सुना कि इन्होंने अपने लाइफ के छोटे मोटे एक्सपीरियंस ही सही लेकिन आपके साथ शेयर किए हैं। तो बिना अपने वक्त ज़ाया किए हम अपने नेक्स्ट मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। तो जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पिछले जो दो गेस्ट आए थे उन्होंने म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मेरा मान है कि जितने लोगों ने सुना है ये, उनको उनकी तमाम बातों के वसीले से यकीनन बरकत भी हासिल की होगी। तो हम अपने और अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और गेस्ट जो हमारे फर्दर हमारी म्यूज़िक के एक्सप्लेनेशंस देंगे वो भी यकीनन नौजवान है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है मेरी उम्र के नौजवानों, और हमने जो इसके अंदर कंपेन शुरू की है बी योर सेल्फ, उसके अंदर हम म्यूज़िक के एक्सप्लेनेशन को और जानेंगे और सुनेंगे कि इनकी ज़िंदगी में खुदा उनके नाम में किस तरीके से काम करते हैं। चले आए बिना अपने वक्त को जाया करें इनके मुंह से इनकी कहानियां सुनते हैं। तो जी हाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे फर्दर नौजवान और हमारे हम उम्र नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं कि उनकी जिंदगियों में किस तरीके से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिला है, हम उनके मुंह से उनके बारे में सुनेंगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है आप तीनों से कि आप तीनों अपना अपना तारुफ करवाएं और जो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो कौन सा है वो भी आप बताएं। जी हाँ, मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी की सलाम। मेरा नाम सलमून सदीक है और मैं फ्लूट बजाता हूँ और फ्लूट बजाने से मैं खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। थैंक यू जी। मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम हेवन जोशुआ है और मैं खुदा के नाम को जलाल ढोलक बजाने से देता हूँ और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम जैनी मैनवल है और मैं स्टडी भी करता हूं और साथ साथ तबला भी बजाता हूं और खुदावन के नाम को जलाल देता हूं। खुदावन का लाख लाख शुक्रिया अदा है और यही बात बल्कि आप लोगों ने जो बोली है मुझे पर्सनली अच्छी लगी, दैट यू आर स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट लाइफ में एक एक्टिविटी को हैंडल करना, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मेरा ईमान है कि जो हमारे नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस बात से शायद मुत्तफिक होंगे और शायद आप लोग भी होंगे कि एक स्टूडेंट लाइफ में एक एक्टिविटी को साथ लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि आप लोग ने सुना कि हमारे जो पिछले गेस्ट थे उन्होंने भी इस बात को कहा कि हमारी फैमिलीज भी कुछ हद तक से हमसे अक जाते थे। सो दैट हम अपने फर्दर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अपने मेहमानों से जानेंगे कि मेरा आप तीनों से एक सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने किस तरीके से काम किया, और आप चाहें तो अपनी पर्सनल गवाही भी दे सकते हैं, और आपके एक म्यूज़िक की आइडियोलॉजी या एक नज़रिया आप क्या देना पसंद करेंगे? जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता था। जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से फ्लूट सीखना स्टार्ट की, और मेरे नज़दीक फ्लूट बजाना या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना ऐसे है जैसे कि आप किसी स्ट्रेस से कुछ छुटकारा पा रहे होते हैं। तो अगर बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो म्यूज़िक में पावर है, बेशक, और पावर ऐसी है कि वो पावर कुछ भी कर सकती है। जब हम दाऊद नबी की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो साउल बादशाह, जिसे एक बुरी रूह शैतान की जो रूह थी वो खुदा की तरफ से उसे सताती थी, मगर जब दाऊद बादशाह बरबत प्ले करता था तो उसके बरबत प्ले करने से खुदा की तरफ से वो आराम पाता था। सो मेरे नज़दीक ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई काम हो तो
तो हमें दिल से पूरी रूह से खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। बेशक ये यकीनन बात फैक्ट है। और दाऊद नबी की अगर मिसाल दें तो दाऊद नबी के बारे में ये लिखा है कि उन्होंने 4000 से ज़ायद इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए और उन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने हर एक बंदे को जो उनके जगह में उनके घर में और उनके जो हैकल जो जहाँ पे वो पे महल में थे तो वहाँ पे उन्होंने अपने तमाम वर्कर्स को भी दिया कि वो खुदावंद की प्रस्तिश मेरे साथ मिलकर करें। तो मेरी हैवन आपसे दरख्वास्त है कि आप भी इस सेम क्वेश्चन कि आपकी ज़िंदगी में खुदा का नाम किस तरीके से जलाल पाया और आपकी एक शख्सी गवाही किस तरीके से खुदावंद की ज़ुरी में कबूल होती है। जी बिल्कुल, मेरी गवाही यूँ है कि मेरी जो फैमिली है जो मेरे शुरू से जो बड़े जिनको कहते हैं वो सारे म्यूज़िकल लाइफ में है, सारे खुदावंद की वर्शिप करते हैं और इसी तरह खुदा ने मुझे भी लिया क्योंकि कलाम में लिखा है मैंने नहीं बल्कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है। तो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने मुझे अपनी जलाल के लिए चुना। और अगर हम देखें कि म्यूज़िक एक आर्ट है, एक कला है और ये किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि ये अजल से है, इसे खुदा ने क्रिएट किया है। क्योंकि जब हम बाइबल मुकदस में देखते हैं तो खुदा ने लूसीफर को जब बनाया तो उसके परों में खुदा ने म्यूजिक रखा, जब वो अपने परों का फैलाता था तो म्यूजिक निकलता था जिससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता था। तो ऐसे ही जब हम बाइबल मुकदस में पुराने अहदनामा में देखते हैं तो जब जंग के वक्त लोग जाते थे तो उनके पास 4 किस्म के नरसिंगे होते थे, एक जंग शुरू करने वाला, एक जंग खत्म करने वाला और एक जीतने वाला और एक हारने वाला। लेकिन जो कौम बनी इसराइल थी जिसको हम खुदा की कौम कहते हैं वो अपने साथ सिर्फ 3 नरसिंगे लेके जाती थी, वो अपने साथ हारने वाला नरसिंगा लेकर नहीं जाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि जब हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे तो खुदा हमें कभी हार नहीं देगा। और इसी तरह एक हवाला यरू की दीवार का है, यरू की दीवारें जो कि लिखा है कि उस पर एक साथ वो जो 4 रथ कट्ठे दौड़ सकते थे, वो वर्शिप के वसीला से जब वो ललकारे खुदा के हजूर तो वो दीवारें गिर गईं। ये वर्शिप में ये पावर है कि ये आपकी दीवारें गुनाह की दीवारों को गिरा सकती है। ये जो इंसान की शख्सी जिंदगी में ये जो गुनाह की दीवारें हैं, ये जो दीवार है जो खुदा के पास नहीं आने देती, वर्शिप में ये पावर है, ये दीवार आप गिरा सकती है और आपको खुदा के करीब ला सकती है। बेशक, थैंक यू सो मच। मैं बल्कि आपकी इस नॉलेज को अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूथ जो अभी शायद इन बातों को सुन रही है, 90% ऑफ यूथ को अगर ये बात नहीं पता तो मेरे आप सबसे दरख्वास्त है कि कलाम पढ़ना शुरू करें क्योंकि कलाम हमें तमाम एक तरह की भेद से हमारे ज़िंदगी के आराम से हमें मिलवाता है। जी जैन भाई, अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी इन्हीं क्वेश्चंस के मुतल्लिक अपनी ज़िंदगी में होने वाले तजर्बात और जो आपकी ज़िंदगी में खुदा किस तरीके से अपना नाम इज्जत और जलाल करवाना चाहता है, मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे तमाम व्यूवर्स के साथ वो भी शेयर करें। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं गवाही देना चाहूँगा जो मेरी ज़िंदगी में तबले के वसीला से हुई कि आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले मैं तबला स्टार्ट किया, मैंने अपने उस्ताद जी के पास गया और तबला मैंने स्टार्ट किया। और जब तबला स्टार्ट किया तो काफ़ी मुश्किलें आईं मेरे साथ, और जब मैंने तबला स्टार्ट किया तो मेरे उस्ताद जी भी कहते थे कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको कैरी ऑन रखना है क्योंकि अगर हम इसको छोड़ेंगे तो वो मंजिल नहीं मिलेगी, वो मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं तो वो फ़ायदा भी नहीं होगा, इसका स्टार्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे घराने वाले भी बहुत खुश होते थे कि मैं खुदावंद के नाम के लिए बजाता हूं। और अब खुदावंद का शुक्र है कि मैं जगह जगह जाकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा हूं और बहुत सी खुशियाँ मिल रही हैं उसके नाम को जलाल देने के वसीला से। और अब मैं अपने मेन मकसद के बारे में की तरफ आऊँगा कि मेरा जो मकसद है वो रिलेशनशिप पे है। और रिलेशनशिप हमारा और खुदावन का और उस कलीसिया का जिसके साथ हम मिलकर खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। बेसिकली हम जब खुदावन के नाम को जलाल देते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि रूह और सच्चाई से वो काम नहीं लेते। हमारा काम है कि जब हम उसके नाम को जलाल दें तो रूह और सच्चाई से लें, क्योंकि खुदावन वो प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। अब जब हम मिलकर
कलीसिया और प्रस्तार मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं तो हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं जिसको जिस मंजिल को हमें टच करना चाहिए, जिस मंजिल को हमें लेना चाहिए। और ये मेरी गवाही है और यही मेरी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच आप तीनों का। और ये बात बल्कि एक्चुअली ज़रूरी है कि हम, ज़रूरी नहीं कि वर्शिप इज़ जस्ट अन वर्शिप। वर्शिप मेरे हिसाब से एक वो चीज़ है और एक वो पोर्शन है जिसकी वजह से खुदावन का पाक रूह कलीसिया के बीच में आता है। वर्शिप ना हो तो मेरा ये मानना है कि इबादत रुक ही रह जाती है। बेशक कलाम एक बहुत बड़ा, एक्चुअली कलाम ही सबसे ज़रूरी पॉइंट ऑफ व्यू है, बट जब हम लोग कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम के पढ़ते हुए अगर हम जबूर सौ में देखें तो वहाँ पे लिखा है कि गाते हुए उसकी हजूरी में आओ, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। तो ये बात यकीनन बहुत ज़रूरी है कि उसकी हजूरी में कैसे जाना है, खुशी से वर्शिप करते हुए। और जैसे कि आपने हमारे गेस्ट से सुना कि वर्शिप की एक अहमियत क्या है, तो मेरी आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नौजवानों के लिए और व्यूवर्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोई म्यूज़िक के मुतल्लिक, म्यूज़िक के इम्पोर्टेंस के मुतल्लिक या उसकी खसूसियात के मुतल्लिक आप कोई पैसेज या कोई बात या कोई हासिल कलाम अगर हमारे नौजवानों को देना पसंद करें तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज हमारे नौजवानों के साथ जरूर शेयर करें। मेरे नज़दीक म्यूजिक की अहमियत ही ये है कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी इबादत करें। यसाया 43 बाब की 21 आयत में लिखा है कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। सो हमारा ये गोल होना चाहिए कि हम किसी ना किसी तरह से, अगर हम परस्तार हैं, अगर हम गाने वाले हैं, अगर हम साज बजाने वाले हैं, तो हम इस तरह से खुदा की वर्शिप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी हेवन साहब आपसे दरख्वास्त है कि आपके इस अकॉर्डिंगली म्यूजिक की इम्पोर्टेंस हमारे नौजवानों के साथ प्लीज शेयर करें। आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो आजकल की यूथ है, वो ज़्यादातर वो नशे की हालत में है, वो नशे में है। और म्यूजिक एक ऐसा नशा है, क्योंकि जो दुनिया के टॉप तबला मास्टर हैं उनका ये बयान है कि म्यूजिक एक ऐसा नशा है जो सारे नशों से अच्छा है, और जो इसे करता है उसे और किसी नशे की जरूरत नहीं होती। और अगर हम रूह में रहकर रूह का नशा करें और म्यूजिक का नशा करें तो हम बेहतरीन तरीके से खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। बहुत सी मिसालें हैं जो के रूह में रहकर खुदा के हजूर गाते और बजाते हैं और खुदा का आभा ठहरता है। हमारे आज के इस दौर में बहुत से स्पिरिचुअल वर्शिपर्स हैं, स्पिरिचुअल म्यूजिशियन हैं, जिनको अगर हम सुनते हैं तो हम खुदा की हजूरी को, खुदा के जलाल को महसूस करते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप खुदा के नाम को जलाल दें, चाहे वो कोई भी जरिया है, चाहे आप गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, खुद को इम्प्रूव करें, खुद को खुदा के हुजूर लाएं, क्योंकि खुदा में ऐसी ताकत है कि वो आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं। बेशक बेशक, और ये बात बिल्कुल आपने 100% बिल्कुल जायज की। हम कुछ भी नहीं है, हम खाली खाक हैं, खाक में बने हैं, खाक में लौट जाएंगे, बेशक उसी की ज़ात है। मेरी जैन साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप भी हमारे नौजवानों के लिए कुछ कहें। जी, तो मेरा ये मैसेज उन नौजवानों के लिए है जो, जैसे भाई ने बताया कि वो नशे की लत में हैं और बुरे कामों में वक्त गुजार रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो खुदावंद के नाम के लिए बढ़ें। वो जिस तरह तलब नशे की करते हैं, वो खुदा की तलब करें, तो आज वो कहाँ पे कहाँ। और मेरी गुजारिश है जो लोग गाते भी हैं, बजाते भी हैं, अगर वो दिखावे के लिए बजाते हैं, गाते हैं, तो वो ना करें। अगर दिखावे के लिए करते हैं वो सिर्फ दुनियावी है, अगर रूह से करते हैं तो वो खुदा के लिए करते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जो लोग गाते बजाते हैं लेकिन दिखावे के लिए करते हैं, वो करें ना करें, लेकिन जो अगर रूह से करेगा वो खुदावन के नाम को जलाल देगा और खुदावन को उसका गाना बजाना पसंद आएगा। बेशक। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि हमारे गेस्ट ने कितनी खूबसूरती से एक म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस को डिफ़ाइन किया, अब वक्त आता है कि हम इनके हाथों से, इनके गलों से और इनकी वर्शिप से हम खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और इन्हीं के म्यूज़िक से हम अब सुनेंगे।
चुके यीशु सुनावा मैं रब दी
जाते गिर जाओ